वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष, संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज से आपका एमबी का सेट यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उनको सॉल्यूशन उनका देना, ताकि जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आप जैसे बहुत सारे बच्चों का भला हो सके, मीन्स आप कहीं कहीं ईजी फील कर सकें आप, ठीक है। लेकिन आपका भी कर्तव्य होगा अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें, उन्हें बताते जाएं कि एक ऐसा पेपर जो बहुत सारे बच्चे इंतजार करते हैं, प्रीवियस ईयर शर्ट्स के जो पेपर्स होते हैं साल कराना, वो पेपर संतोष सर के द्वारा साल करवाया जा रहा है। तो बताते जाएं, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ते हैं। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए उन्हें सब्सक्राइब करवाएं, जो बच्चे शेयर नहीं करते हों शेयर करवाएं, इस तरह से अधिक बच्चों के पास ये चीज़ भी। और मेरा जो एडिटोरियल का सेक्शन बच्चों, जो एक रामबाण है, हर चीज़ का इलाज है, उसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ हमारे पास है। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019, बिल्कुल लेटेस्ट बच्चों, 2019 का, हेल्ड ऑन 3rd मार्च, शिफ्ट 1, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है सारे इसमें। और देखते हैं किस तरीके से हमको इनको सॉल्व करना है। बच्चों इसे सॉल्व करने से क्या फ़ायदा होगा, जो बच्चे मॉडरेट लेवल पे है ना, उन बच्चों को एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके क्वेश्चंस उन्हें आगे फेस करने हैं, उसके हिसाब से आप क्या करते जाएं, प्रिपरेशन करते जाएं अपनी। और जो बच्चे अच्छे हैं उनका टोटल रिवीजन होता जाएगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करता जाएगा कि हाँ ये सारे पोर्शंस क्या होते जा रहे हैं, उनके तैयार होते जा रहे हैं। जो बच्चे अराउंड 20 के आसपास रहेंगे क्वेश्चंस के, वो बच्चे 22-23 करना चाहें, जो बच्चे 22-23 के अराउंड रहे होंगे वो 25 तक पहुंचने की कोशिश करें कि जो कमियां रह गई हो उन सारी कमियों को हम दूर कर सकें। इस प्रकार के पेपर सॉल्व करने से एक और फायदा है, आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट 2019 का है ये, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा किस तरीके क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, कितने क्वेश्चंस कॉमन एरर्स पे होते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे होते हैं, कितने क्वेश्चंस सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स के होते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन मीन्स क्लोज टेस्ट वगैरह पे होते हैं, कितने क्वेश्चंस वन वर्ड्स पे होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे होते हैं, कितने सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें जो होती, सारा पैटर्न आपका क्लियर होता जाएगा। और फिर धीरे धीरे ये चीज़ें जब रूटीन के अंतर्गत आ जाएंगी, आप रेगुलर सॉल्व करेंगे, तो फिर आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं और शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसा देख रहे होंगे आप, सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी आपको एक्टिव दिया गया होगा, आपको पैसिव यूज करना होगा, ठीक है बच्चों। आप जब इसे शुरू करें उससे पहले मेरा एक क्लू याद कर लें, जो आपने जरूर पढ़ा होगा। अगर दिया गया एक्टिव वॉइस किसी भी इंडेफिनिट में होता है तो आप किसकी हेल्पिंग वर्ब खोजें, हमेशा कंटिन्यूअस की खोज लें। अगर दिया गया आपका वाक्य ऑलरेडी कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लें और क्या खोजें उसमें, बीइंग खोज लें। अगर दिया गया वाक्य आपका परफेक्ट में हो तो आप आगे वाली जो हेल्पिंग वर्ब देखें, अर्थात आप किसकी देखें, परफेक्ट कंटिन्यूअस की देखें। और अगर वाक्य में कोई मॉडल है तो आप किसकी देख लें, आप वहां पे मॉडल प्लस बी देख लें, इससे आपका समय बच जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसे आराम से, कोई भी इंडेफिनिट होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब किसकी लें, कंटिन्यूअस की ले लें। ऑलरेडी वो सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में है तो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस के साथ बीइंग ले लें। अगर वो सेंटेंस परफेक्ट में, कोई भी परफेक्ट, तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लें। और अगर मॉडल दिया गया हो तो मॉडल के साथ क्या देखें, आप बी देख लें, इससे समय आपका कहीं कहीं बच जाएगा। जैसे यहां है, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, जैसे हमने देखा द मैनेजर कीप्स द वर्क, कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगी कंटिन्यूअस की आएगी, यही ना, किसकी आएगी, कंटिन्यूअस की आएगी। द वर्क वाज, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है, फिनिश। द वर्क आर, द वर्क के साथ आर वैसे भी नहीं आएगा, और मैंने कहा इंडेफिनिट है तो बीइंग कैसे ले सकते हैं आप। द वर्क हैज बीन केप्ट, कैसे हो सकता है बच्चों, परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे आएगा। तो अगर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या, ये हो जाएगा, देखे इज है ना कंटिन्यूअस के रूप में। नहीं, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, जो मैनेजर है
कीप्स द वर्क, वो कार्य को रखता है पेंडिंग, विचाराधीन, यानी लटकाए रखता कार्य को वो, ठीक है, अर्थात द वर्क इज केप्ट पेंडिंग, वो कार्य पेंडिंग में रखा रहता है बाय द मैनेजर, किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा। फिर से याद कर लें, कोई भी इनडेफिनिट हो, कोई भी, तो उसके आगे कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लें। आपका ये प्रेजेंट इनडेफिनिट था कीप्स, इसलिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज आपने यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है करेक्ट सननिम आपको ढूंढना है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी। जैसे ऑब्लिगेटरी आया बच्चों, तो आपके मन में कुछ और शब्द आने चाहिए, ये कंपल्सरी आना चाहिए, इंपरेटिव आना चाहिए, मैंडेटरी आना चाहिए, इन सबके मीन्स क्या होता है, आवश्यक, ये भी नेसेसरी आना चाहिए, इन सबके मीन्स क्या होता है, आवश्यक। तो ऑब्लिगेटरी मीन्स भी क्या होता है, आवश्यक, हो गया ना, ऑब्लिगेट। अब आपके पास एक वर्ड के पांच सिनोनिम्स हो गए, ऑब्लिगेटरी, नेसेसरी, कंपल्सरी, इंपरेटिव और मैंडेटरी, ठीक है। अब देखें इसमें है क्या, अग्रेसिव नहीं होगा, अग्रेसिव मीन्स क्या होता है, जो आक्रामक हो, क्या हो बच्चों, जो आक्रामक हो वो अग्रेसिव होता है, मैंडेटरी दिया गया है, यानी ऑब्लिगेटरी का सरनिम क्या हो जाएगा, मैंडेटरी। यूजलेस आप बिल्कुल आसान है, जो यूजलेस हो, बेकार की चीज हो। रेकलेस क्या होता है, वन हु डज एनी वर्क विदाउट प्रॉपर थिंकिंग, जो परिणाम की परवाह किए बिना, किसी चीज पर विचार किए बिना कोई कार्य करता है, वो व्यक्ति क्या होता है, रेकलेस। रेकलेस की मीनिंग क्या होती है, लापरवाह। अगर आपके मन में बच्चों ये वर्ड आए, केयरलेस, थोड़ा सा अलग हो जाए, केयरलेस क्या होता है, वो भी लापरवाह होता है, लेकिन केयरलेस क्या होता है, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप उसमें लापरवाही बरत रहे हैं, ढिलाई बरत रहे हैं, ये केयरलेस होना होता है। रेकलेस क्या होता है, इसका संबंध जो इससे होता है बच्चों, असावधानी से, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और बहुत फास्ट चला रहे हो, आप इस चीज की परवाह न कर रहे हो कि वो क्या हो जाएगी, गाड़ी लड़ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप क्या कहलाएंगे, आप रेकलेस, बेपरवाह, यानी इस सेंस में ये केयरलेस होता है आपका, या फिर जो कोई कार्य बिना सोचे समझे करता है वो रेकलेस होता है। तो ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मैंडेटरी, ओके, बाकी वर्ड्स भी तैयार कर लीजिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट, यानी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है आपका। द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट, यानी द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल, जो डायरेक्टर है, निदेशक है, वो उस प्रपोजल से क्या हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे, इफ, यदि वी डू नॉट एक्सीड द बजट, यदि हम बजट को जरूरत से ज्यादा नहीं ले जाते हैं, तो उस प्रपोजल से क्या हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे। अब ये जो अंडरलाइन पोर्शन है, हमें इसमें ये देखना है, ये ऑलरेडी सही अगर है, ऑलरेडी सही है तो फिर नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और अगर गलत है तो फिर इन तीनों में से कोई होना चाहिए। तो हमें बच्चों कई बार हमने एडिटोरियल पढ़ाते समय भी वैसे भी बताया आपको कि एग्री विद समवन होता है, एग्री टू द प्रपोजल होता है, और एग्री ऑन अ टॉपिक होता है, यही ना, यहां कोई टॉपिक तो है नहीं कि आप आन लेंगे, और कोई व्यक्ति तो है नहीं कि आप विद लेंगे, यहां क्या है, एक प्रपोजल है, जब प्रपोजल है तो एग्री के साथ क्या लगाते हैं, हम टू लगाते हैं, जहां एग्री विद द प्रपोजल है वहां एग्री टू हो जाएगा, एग्री टू द प्रपोजल, याद कर लीजिएगा, एग्री विद समवन, एग्री टू अ प्रपोजल,
or agree to a sorry agree on a topic. In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. यानी ये किस पर है क्वेश्चन आपका? कॉमन एरर पर क्वेश्चन है. आपको ये देखना है कि क्या इस पूरे सेंटेंस में कोई गलती है. वन ऑफ द बॉयज यानी उन लड़कों में से एक फ्रॉम आवर स्कूल हमारे स्कूल यानी हमारे स्कूल से उन लड़कों में से एक हैव बीन सेलेक्टेड पैसिव वॉइस है. हैव बीन सेलेक्टेड यानी पैसिव वॉइस में सही है. हैव के साथ बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप यानी वो लड़का जो है चुना गया है फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप. किसके लिए? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप. जिसके लिए हम सेलेक्टेड होते हैं तो सेलेक्टेड फॉर होते हैं यानी फॉर भी यहां क्या है आपका सही है. वन ऑफ के बाद क्या आता है? हमेशा प्लूरल नाउन आता है तो ये प्लूरल नाउन भी सही आपका है बॉयज है. कहां से चुनाया गया? फ्रॉम आवर स्कूल ये भी सही. हमारे स्कूल से चुना गया तो फ्रॉम आवर स्कूल चुना गया ये भी सही है. हैव बीन सेलेक्टेड ये हमारी हैव बीन सेलेक्टेड क्या है? हैव यहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार चलेगे? सब्जेक्ट के अनुसार. तो यानी ये क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे है. अगर ये सब्जेक्ट के अनुसार चलेगी तो हैव का सब्जेक्ट है क्या? वन है ना. प्रीपोजिशन से पहले आपका सब्जेक्ट होता है तो वन आपका सब्जेक्ट है. तो अगर वन सब्जेक्ट है तो वन के साथ आप हैव कैसे ले सकते हैं? यहां क्या होना चाहिए था? हैज होना चाहिए था. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको रेगुलर. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा. अब अगर ऐसे कहीं प्रश्न मिले आपको वन ऑफ द लीडर इज करप्ट सही या गलत, यह पहली गलती बच्चों. वन ऑफ के बाद कभी सिंगुलर नाउन नहीं आएगा. क्या होगा यहां? लीडर्स होगा. अब अगर यहीं पे इसके बजाय आर होता अगर यहां तो भी गलत होता क्योंकि वन ऑफ में वन के अनुसार चलेगा तो यहां आर कैसे होगा? क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा. ठीक है, गिवन बिलो आर फोर जंबल्ड सेंटेंस. जंबल्ड अव्यवस्थित जो अरेंज्ड न होते हैं वो जंबल बिखरे हुए तितर बितर बिना क्रम के कह सकते हैं. तो चार जंबल्ड सेंटेंसेस हैं. सेलेक्ट द ऑप्शन आपको वो विकल्प चुनना है दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर जो ये बताए इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है. ठीक है, चलिए पहले सेंटेंसेस पढ़ते हैं. हाउ एवर जो भी हो द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर. जो पॉपुलेशन का पॉपुलेशन इंक्रीज का जो रेट है इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर वो एक अनमहत्वपूर्ण फैक्टर है तथ्य है टू कंसिडर जिस पर हमें क्या करना चाहिए विचार करना चाहिए. दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज. ये जो बदलाव है कैन बी एक्सप्रेस्ड इसे अभिव्यक्त किया जा सकता है दो तरीकों से. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या की जो वृद्धि है रिफर्स वो इस चीज को रिफर करती है इस चीज के बारे में बताती है टू द चेंज कि क्या बदलाव आ रहा है इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स रहने वाले निवास करने वालों की संख्या में ऑफ अ कंट्री एक देश के यानी एक देश के निवासियों की संख्या में क्या बदलाव आ रहा है इस चीज को रिफर करता है पॉपुलेशन का ग्रोथ. फर्स्ट सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज. यानी सबसे पहले हम जो एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं उनके टर्म्स में देखें एंड सेकेंड दूसरी चीज किसमें देखें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज जो परसेंटेज चेंज है उसके अनुसार देखें. ठीक है, अब यहां पर बच्चों एक आपको चीज समझना होगा अगर आपको जंबल सेंटेंसेस को बेहतर करना है कि आपको यह तय करना होगा कि पहला पोर्शन कौन सा ऐसा होगा जहां से वाक्य शुरू हो सकता है. लेकिन उससे बेहतर आपको यह चूज करना होगा कि कौन सा पोर्शन ऐसा है जो पहले नहीं हो सकता है. इससे आपका समय बच जाएगा. अगर आप देख रहे हो हाउ एवर
जो भी हो, जो भी हो यानी इसके पहले कुछ ना कुछ तो कहा गया होगा ना, तब जो भी हो आएगा, यानी ये कैसे वाक्य शुरू कर सकता है, जो भी हो द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी इसके पहले कुछ कहा गया, यानी ये पहले नहीं आ सकता है, हटा देते हैं। ए से देखें है कोई, है भी नहीं। फिर दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, ये बदलाव आ सकता है दो तरीकों से बच्चों। ये बदलाव कौन सा बदलाव, हमने किसी बदलाव की बात की होगी तभी ना ये बदलाव आएगा, इस बदलाव की बात कर रहे हैं वो, यानी बी भी नहीं हो सकता है, ये भी काट दें। अब अगर हमने बी काट दिया ना तो देखे ये भी कट गया और ये भी कट गया बच्चों। अब हमारे पास सी से है और अब आपके पास ऑप्शन क्लियर हो गया कि जब भी शुरू होगा वाक्य वो सी से शुरू हो, ऐसे समय बचाया आपने। लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर दो नहीं होगा तो इन दोनों में से यही हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहीं से शुरू हो रहा है ना, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज, तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैंने बताया वो टाइम सेविंग है, आपका समय बच जाएगा। तो क्लियर है कि सी से होगा आपका, ठीक है। तो अब ये हो गया सी, अब हमको ये देखना है कि सी के बाद बी आएगा या सी के बाद ए आएगा। तो देखते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। दिस चेंज है ना, बी दिस चेंज, कौन सा चेंज, ये जो द चेंज की बात कर रहे हैं, यही ना बच्चों है द चेंज, यानी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, और ये बदलाव कौन सा बदलाव, ये तो हमारा प्रीफरेंस क्या होगा, सी के बाद बी। अब ये देख लेते हैं, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, बच्चों ये तो तब आएगा ना जब हमें इसके पहले ये टर्म्स के बारे में बताया गया हो, यानी कहीं ना कहीं सी के बाद क्या प्रीफर्ड होगा आपका, बी हो जाएगा, दिस चेंज, कौन सा चेंज, ये चेंज, द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी सी के बाद क्या आ जाएगा, बी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कोशिश करेंगे और आगे आसान होगा। ये फिल इन द ब्लैंक है आपका, वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस, यानी हमें जो बेघर लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, और जो शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग हैं, अक्षम लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। तो एग्जर्ट, एग्जर्ट मीन्स होता है प्रयास करना, वी मस्ट एग्जर्ट हेल्प, यानी हमें प्रयास हेल्प करना चाहिए, दिस इज कट। वी मस्ट कंट्रीब्यूट हेल्प, हेल्प को कंट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, कंट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें आपने कोई आर्थिक मदद दे दी, ये आपका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। यहां हेल्प के पहले कंट्रीब्यूट होगा नहीं, वी मस्ट कंट्रीब्यूट हेल्प, हेल्प तो यहां नाउन के रूप में है तो इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। वी मस्ट रेंडर हेल्प, याद है आपको, ये याद कर ले बच्चों, रेंडर हेल्प, रेंडर मीन्स होता है प्रदान करना, क्या प्रदान करना, सहायता, सही ना। डोनेट क्या होता है, जैसे कोई संस्था है वो कुछ डोनेशन लेकर के एडमिशन कर रही हो, या आप ब्लड डोनेट वगैरह करते हो तो वहां क्या करते हैं, आप डोनेट करते हैं, ठीक है। यहां डोनेट हेल्प, आप होमलेस को हेल्प डोनेट नहीं कर रहे हैं, वो हेल्प क्या कर रहे हैं, आप रेंडर कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, उसे प्रदान कर रहे हैं, तो यहां वी मस्ट रेंडर हेल्प हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन है आपका क्लोज टेस्ट के रूप में, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, यानी कुछ शब्द क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन, जो विकल्प दिए गए हैं ये सारे विकल्प चार, इन्हीं में से आपको सही ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। अगर आपको क्लोज टेस्ट सही करना है तो सबसे पहले एक बार आप उसे पढ़ने के बाद ये तय कर लिया करें कि पूरे पैसेज का जो भाव है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे वर्ड्स को चुनने में आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ग्रामर का ध्यान रखें आप, शब्दों के बीच क्या माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं उनको जाने आप, प्रीपोजिशंस वगैरह को सही तरीके से जानेंगे तो आपके काम आएगा, ठीक। तो कम्युनिकेशन प्लीज एक बार पढ़ लेते हैं, कम्युनिकेशन प्लेज यानी जो संवाद है वो प्लेज अदा करता है, और डैश रोल, एक रोल अदा करता है।
इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, यानी एक आदमी के ओवरऑल डेवलपमेंट में, सर्वांगीण विकास में कम्युनिकेशन एक रोल अदा करता है। कैसा रोल अदा करता है आगे देखते हैं। इट कैन बी लर्न, इट कैन बी क्या चीज सीखा जा सकता है, कम्युनिकेशन मीन संवाद करने की शैली क्षमता। इट कैन बी लर्न यानी इसे सीखा जा सकता है बाय आवर डैश एफर्ट्स, अपने प्रयासों के द्वारा। कैसे प्रयासों के द्वारा आगे देखते हैं। टुडे आज सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ यानी हमारे जो व्यावसायिक जीवन है इसमें या पेशेवर जो जीवन हमारा है इसमें हमारी जो सफलता है डिपेंड्स, वो निर्भर करती ऑन, ध्यान रखिएगा डिपेंड ऑन, निर्भर करती है ऑन आवर हमारी टू रीड पढ़ने की। कैसे पढ़ने की ये आगे देखते हैं। राइट लिखने की एंड स्पीक वेल और अच्छी तरीके से बोलने पर निर्भर करती है विच रिजल्ट्स, जिसका परिणाम निकलता है इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हम प्रभावशाली तरीके से कम्युनिकेशन कर लेते हैं। बैरियर्स रुकावटें बाधाएं, किस चीज में बाधाएं, कम्युनिकेशन बातचीत करने में, संवाद करने में, यानी अगर संवाद करने में बाधाएं होती हैं तो हिंडर ये रोक देती हैं द कम्युनिकेशन प्रोसेस, उस प्रोसेस को, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है टू डैश दीज बैरियर्स, कि इन बैरियर्स को हम क्या करें आगे देखते हैं। सो दैट ताकि द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, ताकि हमारे मैसेज का जो ट्रांसमिशन है, हमारा मैसेज का जो फैलाव है, प्रसार है, कैन बी स्मूथ, वो बहुत आसानी से हो सकता हो। ठीक है बच्चों, अगर देख रहे होंगे ये एक पॉजिटिव अप्रोच है, यानी यहां आपको चीजें जो समझाई गई हैं वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ समझाई गई। ठीक है अब देखते हैं। कम्युनिकेशन प्लेस यानी जो बातचीत संवाद होती है वो अदा करता है, क्या अदा करता है, कैसा रोल अदा करता है, बेटर रोल अदा करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट में, मैन के ओवरऑल डेवलपमेंट में बेटर तब ना होगा जब हम कंपैरिजन करें, यहां कंपैरिजन तो है नहीं कोई, फिनिश। कम्युनिकेशन प्लेज एक रोल अदा करता है, कैसा, टोटल, क्या सारा रोल कम्युनिकेशन ही अदा कर लेगा, नहीं, फिनिश। कम्युनिकेशन प्लेज रोल, कैसा रोल, वाइटल रोल, वाइटल मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण, क्या होता है, महत्वपूर्ण। तो अगर आदमी के सर्वांगीण विकास की बात करें तो उसमें कम्युनिकेशन कैसा रोल अदा करेगा, महत्वपूर्ण रोल ही अदा करेगा ना। तो वैसे भी आप याद कर लें वाइटल रोल एक फ्रेज है, वाइटल रोल मींस होता है महत्वपूर्ण भूमिका, और ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि सेंस तो पॉजिटिव है आपका, तो लाइफलेस नहीं होगा, यहां कौन सा शब्द हो जाएगा, वाइटल रोल हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, ओके। इट कैन बी लर्न, ये कम्युनिकेशन की जो क्षमता है वो हम सीख सकते हैं बाय आवर अपने एफर्ट्स, प्रयासों से। कैसे प्रयासों से, उन इंपॉर्टेंट प्रयासों से, महत्वपूर्ण प्रयासों से। प्रयास यहां महत्वपूर्ण करें, महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे तो क्या सीख जाएंगे आप, नहीं। कंट्राडिक्टरी तो नेगेटिव वर्ड है, विरोधाभासी, फिनिश, क्योंकि मैंने कहा पॉजिटिव अप्रोच है, और कंट्राडिक्टरी एफर्ट्स करेंगे तो कैसे आप सीख लेंगे कम्युनिकेशन। कॉन्सियस, कॉन्सियस मीन्स क्या होता है, कॉन्सियस मीन्स होता है सचेत या जागरूक। अनक्लियर तो नेगेटिव है, ये भी हट जाएगा आपका। अब आपके पास दो वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट और कॉन्सियस। क्या इंपॉर्टेंट एफर्ट्स से आप सीखेंगे या जागरूक प्रयासों से, सही प्रयासों से सीखेंगे, किससे सीखेंगे आप, कॉन्सियस एफर्ट से सीखेंगे, सही है। फिर से आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, इट कैन बी लर्न बाय आवर कॉन्सियस एफर्ट्स, ओके। टुडे आज सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर, यानी हमारे पेशेवर जीवन में जो सफलता है वो निर्भर करती है हमारी किस चीज पर, पढ़ने की, लिखने की, स्पीक करने की, किस चीज पर, फैसिलिटी पर, क्षमता पर, सॉरी सुविधा पर, नहीं, हमारी वैरायटी पर, विविधता पर, नहीं, हमारी पढ़ने लिखने या बोलने की एबिलिटी पर, यही ना,
एबिलिटी, वैसे भी एबिलिटी टू होता अगर आपको याद हो, तो एबिलिटी पर यानी हम हमारी पढ़ने की, लिखने की और बोलने की क्षमता पर निर्भर करता है क्या हमारी प्रोफेशनल जीवन की सफलता। एजाइलिटी याद होगा फुर्तीलापन होता है, फुर्तीलापन या सक्रियता यहां नहीं काम करेगा, हमारी पढ़ने लिखने और बोलने की क्षमता पर काम करेगा। और क्षमता क्या है आपका? वर्ड्स। ठीक है, कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इट कैन बी लर्न बाय आवर कॉन्शियस एफर्ट्स। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल, विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन। ध्यान देखिए बच्चों, प्रीपोजिशन का कमाल है यहां पर। ठीक है, अब ये आप ऐसे नहीं कर पाएंगे बच्चों। अगर आपको याद होगा कई सारे प्रीपोजिशन, तो आप याद करें धीरे धीरे कि बैरियर्स टू समथिंग होता है। अगर किसी चीज में बाधा आ रही है तो बैरियर्स टू होता है। तो अगर आपको याद रहेगा तो याद आ जाएगा कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी अगर कम्युनिकेशन में बाधाएं आती हैं तो हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो इससे वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर देती हैं? रोक देती हैं, बाधित कर देते हैं, तो बैरियर्स टू हो जाएगा। ठीक है, ये प्रीपोजिशन आपको याद करना होगा बच्चों, तैयार करना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस से मैं अपने एडिटोरियल में रेगुलर में करा रहा हूं ट्रांसलेशन के थ्रू, उसे जरूर तैयार करिएगा। तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इट कैन बी लर्न बाय आवर कॉन्शियस एफर्ट्स। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल, विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है टू डैश दीज बैरियर्स। इन बैरियर्स को बहुत जरूरी है क्या? इन बैरियर्स को सक्सीड, सफल करना। क्या बैरियर्स को आप सफल करेंगे? क्या नहीं। इन बैरियर्स को ओवरकम करना, अर्थात इन बैरियर्स पर विजय प्राप्त करना, इन बैरियर्स को अपने नियंत्रण में करना, हो सकता है, देखते हैं। क्रिएट, क्या इन बैरियर्स को निर्माण करेंगे आप, वो करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए निर्माण करेंगे बैरियर्स को, तो फिर और बाधाएं उत्पन्न होंगी। क्या इन बैरियर्स को स्ट्रेंथन करेंगे, क्या बाधाओं को आप ताकतवर बनाएंगे? नहीं, आप बैरियर्स को क्या करेंगे? ओवरकम करेंगे, उन पर विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? ओवरकम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आप तैयार कर लेंगे। ये पहला सेट है बच्चों आपका, ज्यादातर बच्चों का, कोशिश करें धीरे धीरे, इससे आपको एक लय मिल गई होगी। क्लोज टेस्ट में मेहनत है बच्चों, मेहनत है। चलिए, ये देख रहे होंगे आपका क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन यानी इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और अंडरलाइन बता रहा है कि इस पोर्शन को आपको इंप्रूव करना है। ये पता है किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? आपके इस नॉलेज पर, ग्रामर फंक्शन जो करता है उसके नॉलेज पे। क्या कि अगर कहीं एज वेल यहां पे बीच में है तो द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, द प्लेयर्स को और कैप्टन को जोड़ रहा है कौन? एज वेल। एज वेल क्या होता है? भी, एडवर्ब के रूप में। तो क्या यहां एज वेल की आवश्यकता है? नहीं। अगर हमको आवश्यकता है इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए तो किसकी आवश्यकता है? एक कंजंक्शन की आवश्यकता है। कंजंक्शन एज वेल नहीं होता है, कंजंक्शन क्या होता है याद है ना? एज वेल एज होता है। तो अब एज वेल एज तो यहां है नहीं, खत्म, यहां है नहीं, खत्म। द कैप्टन विद द प्लेयर्स हो सकता है बच्चों, लेकिन एक और वजह नहीं होगा जो भी समझ जाएंगे। अब अगर आप एज वेल एज के स्थान पे एज वेल एज ले रहे हैं तो आपको याद होगा बच्चों, मैंने कई बार बोला है, कभी भी अगर एज वेल एज हो, कभी भी विद हो, कभी भी टुगेदर विद हो, कभी भी एलांग विद हो, कभी भी बिसाइड्स हो, कभी भी इन एडिशन टू हो, कभी भी इन कंपैरिजन टू हो, कभी भी एंड नॉट हो, इसके अलावा कभी भी गवर्न बाई हो, लेड बाई हो, कंट्रोल्ड बाई हो, अकंपनीड बाई हो,
लाइक हो, रैदर देन हो, बट हो, तो इनमें आपको पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलना है। तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे, द कैप्टन के अनुसार, तो वर कैसे आ सकता है? सोचें, यहां क्या आएगा? वाज आएगा। तो अब पहली चीज कि एज वेल एज लिया आपने, द कैप्टन एज वेल एज, यहां हो गया एज वेल एज। और दूसरी चीज क्या लिया आपने? वाज। क्यों? क्योंकि आपको द कैप्टन के अनुसार चलना था। पहला ऑप्शन सही है, नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, क्यों? गलत है। द कैप्टन ऑल्सो द प्लेयर्स वर, गलत स्ट्रक्चर ही आपका है। एज द कैप्टन विद द प्लेयर्स, तो फिर ये तो वहां पहले वैसे भी एज है, और द कैप्टन अगर विद के साथ भी है, द कैप्टन के साथ ओवर कैसे आएगा? यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। ये सारे वर्ड्स तैयार करिएगा, इनके साथ हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम चलते हैं। चलिए, ये आपका ईडियम है बच्चों, अ हार्ड नट टू क्रैक। आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, अ हार्ड नट टू क्रैक इज अ कंडीशन, अ सिचुएशन इन विच द टास्क इज वेरी डिफिकल्ट। यानी कि ऐसी स्थिति होती है जिसमें कार्य करना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होता है। तो अ हार्ड नट टू क्रैक, इजिली एनकरेज्ड, नहीं। इजिली डिसअपॉइंटेड, नहीं। नॉट रिस्ट्रेंड, नहीं। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल आसान बच्चों, कर लेंगे आप। एक्जोडस, एक्जोडस क्या होता है? एक वर्ड आपको बताया गया था, मैंने बताया था, इनफ्लक्स। ये एंटोनिम ढूंढना है बच्चों। इनफ्लक्स क्या होता है? जब कोई आ रहा हो, भारी संख्या में समूह के रूप में आ रहा होता है, तो वो इनफ्लक्स होता है। तो एक्जोडस क्या होता है? जब कोई भारी संख्या में किसी समूह से जा रहा हो, यानी बाहर जाना क्या है? एक्जोडस है। अंदर आना क्या है? इनफ्लक्स है। तो अगर एक्जोडस मींस बाहर जाना होता है, तो डिपार्चर तो इसका एंटोनिम नहीं होगा। डिपार्चर मींस भी जाना होता है, खत्म। अराइवल, आ पहुंचना, आना होता है, हो सकता है। एग्जिट, जाना होता है, निकलना, निकाश, खत्म। रिफंड का कोई मतलब नहीं बच्चों, रिफंड तो जो राशि आपने ली उसे वापस करना होता है। तो एग्जोडस का एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? अराइवल, या इनफ्लक्स होता तो ये भी हो जाता, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये स्पेलिंग एरर से संबंधित क्वेश्चन आपका है। एक्सेल, सबसे पहले ये देखें क्या ये सही है, नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेल की स्पेलिंग अगर आपको याद हो, ये होती एक्सेल, सांस छोड़ना, सांस जब बाहर निकालते हैं तो आप एक्सेल करते हैं। एक्सट्रैक्ट, क्या कोई वर्ड है? नहीं। अगर आपको याद हो, एक्सट्रैक्ट होता, एक्सट्रैक्ट किसी चीज में से कोई एक अंश अगर आप निकालते हैं, लेते हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट करना होता है। इसे कोई पैसेज है, उसमें से आपने कुछ लाइनें निकाल ली, ले ली, आपने एक्सट्रैक्ट किया। एग्जिबिट, सही बच्चों, ई एक्स एच आई बी आई टी। एग्जिबिट मीन्स क्या करना होता है? किसी चीज को शो करना, या उसे डिस्प्ले करना, या उसे पोर्ट्रे करना, या उसे डिपिक्ट करना, मीन्स प्रदर्शित करना। अगर आपको याद हो, इसी एग्जिबिट से ये बना बच्चों, एग्जिबिशन, नाउन के रूप में एग्जिबिशन, प्रदर्शनी को कहते हैं। एग्जिबिट, प्रदर्शित करना, ये वर्ड सही स्पेलिंग करो। एग्जॉस्ट, क्या ये होता है बच्चों? नहीं। ए यू एस टी होता है, एग्जॉस्ट। जब आपकी सारी ऊर्जा बाहर निकल जाए, खर्च हो जाए, तो आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा क्या हो गई? एग्जॉस्ट कर गई। जो आप घरों में एग्जॉस्ट फैंस चलाते हैं, उसे भी एग्जॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अंदर की जो उमस है, ह्यूमिडिटी है, उसे क्या निकाल दे रहा है? बाहर निकाल दे रहा है, इसलिए उसको एग्जॉस्ट फैन कहते हैं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? एग्जिबिट, ई एक्स एच आई बी आई टी। लेकिन बाकी वर्ड्स की भी स्पेलिंग्स क्या करिएगा? तैयार करिएगा। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन। ये वन वर्ड है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ सॉन्ग, संग एट अ बरियल, यानी कोई गीत जो किसी बरियल पर, यानी कब्र पर गाया जाता हो, मरने पर गाया जाता हो, वो सॉन्ग, वो गीत क्या होगा? तो मरने पर गाया गया गीत सॉनेट नहीं होगा बच्चों, ये 14 लाइंस की एक सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पोयम होती है, जिसमें कवि अपने विचारों को क्या करता है? प्रकट करता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। एक्चुअली सब्जेक्टिव होती है सॉनेट, ओके।
तो ये नहीं होगा। बैलेट क्या होता है? अ सिंपल सांग या अ नरेटिव कंपोजिशन, यानी पूरी एक कहानी बनाई गई हो किसी एक बड़े कैरेक्टर को लेकर के, उस पर पूरी उसकी गाथा गाई जा रही हो, वो एक बैलड होती है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, याद है? गाथा गीत। ठीक, गाथा गीत तो है नहीं, किसी के मरने पर गाथा गीत तो गाया नहीं जाएगा। हिम क्या होता है? हिम अ प्रेज टू गॉड। जब हम ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, अर्थात उसकी प्रशंसा में हम क्या गाते हैं? भजन। तो ये क्या होता है? हिम होता है। एंड साइलेंट है तो ये क्या होगा? डर्ज। डर्ज मीन्स क्या होता है बच्चों, याद है? शोक गीत। किसी के मरने पर जो गीत गाया जाता है या धुन बजाई जाती है, वो गीत क्या होता है? डर्ज होता है। और मैंने कल ही अभी एडिटोरियल में बताया था, किसी के मरने के बाद उसकी स्मृति, उसकी मेमोरी में जो पोयम लिखी जाती है, वो क्या होती है? आपकी एलजी होती। संयोग से देखे आज आप ये कर रहे हैं। यहां आपको क्या है, ग्रामेटिकल एरर, यानी ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है। एक पोर्शन कोई गलत होगा। आई कैन स्विम मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है। मैं तैर सकता हूं वेरी फास्ट, यहां पे कैन स्विम एक्शन वर्ब है तो वेरी फास्ट सही है। फास्ट यहां पे एडवर्ब है, एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब इंटेंसिव इंटेंसिफायर जो है वो आपको मॉडिफाई कर रहा है, सही है। तो आई कैन स्विम वेरी फास्ट, मैं बहुत तेजी से तैर सकता हूं। व्हेन कब? जब, सही है। व्हेन, जब। आई वाज ओनली फाइव, जब मैं था ओनली फाइव, केवल पांच साल। तो जब आप केवल पांच साल के थे तो आप तैर सकते हैं या तैर सकते थे? तैर सकते थे ना, तो यहां कैन नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहां पे? कुड हो जाएगा। या कुड से भी बेहतर अगर आप लेना चाहें तो आपको यहां क्या लेना चाहिए? आई वाज एबल टू, ये यहां बेस्ट ऑप्शन होगा, कुड से भी बेहतर होगा। तो आई वाज एबल टू स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली फाइव, सही है। यहां पे आप कैन के बजाय कुड होगा, क्यों? क्योंकि पास्ट को, आपके उस समय की अवस्था को दिखा रहा है जब आप केवल पांच साल के थे, तो आप उस समय ऐसा कर सकते थे, तो उस सेंस में कुड ले सकते हैं या वाज एबल टू बेहतर होगा। यहां आपका फिर से आपका एडियम है टू टेक फ्रेंच लीव। टू टेक फ्रेंच लीव क्या होता है? जब बिना अनुमति आप छुट्टी ले लेते हैं तो टू टेक फ्रेंच लीव होता है। लीव विद रिटन परमिशन नहीं, जब परमिशन ले लिया आपने तो कैसे फ्रेंच लीव होगा। लीव विदाउट एनी इंटीमेशन देख लेते हैं। एक्नॉलेज द होस्ट, होस्ट को स्वीकार करना मैटर ही नहीं करता है। वेलकम द होस्ट, होस्ट को, होस्ट का स्वागत करना, मेजबान का स्वागत करना हो ही नहीं सकता है, तो क्या होगा? लीव, वो छुट्टी विदाउट एनी इंटीमेशन, जो आपने बिना बताए ली हो, बिना करीब आए ली हो, वो छुट्टी क्या होती है? टू टेक फ्रेंच लीव होती है, ठीक है। वास्तव में फ्रेंच लीव होती है, बट इसके साथ वर्ब जोड़ दिया गया टू टेक फ्रेंच लीव। फिर से आपके जंबल्ड सेंटेंसेस हैं, देखें। और बच्चों अब तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा तुरंत कि हाउ एवर से कोई वाक्य नहीं शुरू होगा, तो अगर ए से कोई हो तो पहले ही मैटर खारिज कर दें, है ना, तुरंत देख लें बच्चों, हटा दें। आपका एक ऑप्शन बच गया, थ्री फोर्थ हो गया आपका। हाउ एवर, जो भी हो, दे इग्नोर द ट्रुथ, यानी वो इस सच्चाई को इग्नोर करते हैं दैट की प्रोग्रेस एंड सक्सेस, की विकास यानी प्रगति और सफलता आर प्रोपोर्शनल, अनुपातिक होते हैं टू द लेबर, उस लेबर के, श्रम के, दे पुट इन, जो श्रम वो करते हैं। देखिए यहां याद रखिए प्रोपोर्शनल टू है बच्चों, ठीक है। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, एक जो सामान्य मानवीय प्रवृत्ति होती, आदत होती है, इज टू फाइंड फॉल्ट्स, वो क्या होती है? दूसरों में दोष निकालना। इन द पॉलिसीज, उन पॉलिसीज में दोष निकालना फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, जो पॉलिसीज किसके द्वारा बनाई गई हैं? सरकार के द्वारा। हो सकता है एक सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। दे ब्लेम नहीं होगा बच्चों, दे, हम कहां किसकी बात किए? हमने अगर अभी किसी की बात की होती तब ना दे आता,
यानी सी नहीं होगा, सी से है कोई नहीं होगा, दो फिनिश हो गए, 50-50 पे आ गए आप। 100 पीपल वनली ओपनली क्रिटिसाइज, इसलिए लोग क्रिटिसाइज करते हैं, भाई कोई कारण बताया गया होगा तब ना 100 आएगा, तो डी भी खारिज हो गया। हो गया आंसर बच्चों आपका, कुछ नहीं करना आपको, डी भी खारिज हो गया, ये भी बिना किसी मेहनत के आपने कर लिया बच्चा। यदि आप बस अर्थ समझें, कुछ क्लूज लें कि हाउ एवर से कोई वाक्य नॉर्मली नहीं शुरू होगा, दे तभी आएगा जब उसके पहले कोई उसका नाउन दिया गया हो, और या तो सभी पोर्शंस में दे ही हो, बाकी कहीं नाउन से शुरू ही ना हो उसके बारे में, तब दे आ सकता है, लेकिन यहां ऐसा तो है नहीं, यहां द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी सब्जेक्ट है आपका, और सो तभी आएगा यदि उसके पहले किसी तर्क की बात की गई हो, कारण की बात की गई हो, ऐसे भी आप छांट सकते हैं, बिल्कुल समय बच जाएगा आपको बच्चों, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड शब्द ढूंढने, ह्यूमिलिएशन, यहां वर्ड पावर आपको अच्छी बनानी होगी बच्चों, देखें ह्यूमिलिएशन की स्पेलिंग क्या होती है, सिंगल एल होता है बच्चों, यहां क्या है देखें डबल एल, ये ह्यूमिलिएशन मैंने कल या परसों भी चर्चा की थी संजोग से अगर आपको याद हो, ह्यूमिलिएट। और बच्चों ऐसा नहीं समझिएगा मुझे ये कराना था इसलिए मैंने वो चर्चा की हो, ऐसा नहीं, एक्चुअली मुझे पता है बच्चों क्या वो दे सकते हैं, आप किस तरीके के शब्द दे सकते हैं, वो वही शब्द दे सकते हैं जो आप द हिंदू में पढ़ते हैं, विश्वास करें अगर SSC का एग्जाम आप दे रहे हैं तो द हिंदू एडिटोरियल पढ़िए, वर्ड पावर बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए और बेड ऑफ रोजेज हो जाएगी, मीन्स वेरी इजी टास्क हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन मेरे पर विश्वास करेंगे तब। तो ह्यूमिलिएशन गलत हो गया बच्चों, याद रखिएगा एक वर्ड इसी के साथ मैंने और डिस्कस किया था आपके साथ, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी विनम्रता को कहते हैं। सरकाज्म, ये तो सही यहां पे है लेकिन और देख लेते हैं, रिटेलिएट भी जल्दी हमने पढ़ा था बच्चों, शायद 2-3-4 दिन हुआ होगा, याद करें ये रिटेलिएट LIATE होता है, यहां TALAI है, गलत है ये, और वो हमने कब पढ़ा था याद आपको, जो वर्ड दिया गया था आपको द हिंदू में पढ़ा रहा था, रिटेलिएटरी, प्रतिशोध से भरा हुआ। बुके सही है क्या, क्या डबल TE होता है, नहीं बच्चों BOUQUE, टी यहां साइलेंट होता है, सिंगल टी होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये अपने आप हो जाएगा। स्पेलिंग क्या है आपकी, सरकाज्म, सरकाज्म क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का सटायर, सटायर क्या होता है बच्चों याद है आपको, एक आयरनी, ये सब मिला के क्या होते हैं अगर आपको याद हो, टॉन्ट, अगर इनको हम एक वर्ब के रूप में लें तो याद होगा आपको रिडिक्यूल, है ना, ये सारे वर्ड तैयार करें काम आएंगे आपके, तो आपका कौन सा वर्ड हो जाएगा, सरकास्म, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम, व्यंग, किसी पर टॉन्ट करने का कार्य। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम, यानी सिनोनिम्स आपको ढूंढने, मतलब वन वर्ड ढूंढने हैं, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर, बिल्कुल ईजी बच्चों, अभी मैं अपने एडिटोरियल में ये वर्ड आपको दिया था याद करें, ऑड, मैंने कहा था इससे जितने भी शब्द बनते हैं तैयार कर लीजिएगा आप, और देखें यहां वही है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर, कोई ऐसी चीज जिसे हम सुन नहीं सकते हो, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं वो चीज याद है आपको, इनऑडिबल होती है, इनऑडिबल होती है मीन्स न सुनने योग्य होती है, क्या हो जाएगा इनऑडिबल, ठीक है। एक्चुअली मेरा टारगेट बच्चों आज कुछ और था, लेकिन मैं एक सुझाव पर आपको 2019 के सेट्स आपको देना हो, मैं तुम्हें 2017 से शुरू करने वाला, ठीक है, ये मत समझे मैं यही देने वाला था इसलिए मैं आपको वो बताता, एक्चुअली मैंने कहा ना द हिंदू का एडिटोरियल आपके बहुत काम आने वाला है। इनफैलिबल, पहले वर्ड ये जान लें, फॉल, जो गिर सकता हो यानी जो गलती कर सकता हो, इससे एडजेक्टिव बनाया गया, फैलिबल यानी गिरने वाला, जो गिरने की मतलब गलती कर सकता हो, फैलिबल है, तो इनफैलिबल जो गलती ना कर सकता हो, तो इनफैलिबल अचूक अमोघ, जो गलती नहीं करता है वो इनफैलिबल, वन हु डजंट कमिट एनी मिस्टेक या मेक एनी मिस्टेक, जो कोई गलती नहीं करता हो। इनऑडिबल, जिसे सुना जा सके। इरिवोकेबल, इरिवोकेबल क्या होता है, जिसे चेंज न किया जा सकता हो, उसकी पुरानी अवस्था में न लिया जा सकता हो, वो इरिवोकेबल क्या होता है। रिवोकेबल, जिसे ले आया जा सकता हो पहले की अवस्था में, जो परिवर्तनशील होता हो, तो इरिवोकेबल, जो अपरिवर्तनशील हो,
अटल हो, अचल हो, अखंडनीय हो, जिसमें कोई बदलाव न किया जा सकता हो, वो इरिवोकेबल होता है। ऑडिबल तो बिल्कुल यही आपका, और इनऑडिबल का एंटोनिम जिसे सुना जा सकता हो, यानी समथिंग दैट कैन बी हियर्ड होता, तब आंसर क्या हो जाता, ऑडिबल हो जाता। ये नरेशन पर देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, उसने होटल के रिसेप्शनिस्ट से कहा, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स, टैरिफ मतलब यहां पे किराया, यानी जो रूम्स का किराया शुल्क है, क्या आप मुझे वो बता सकते हैं। अब अगर बच्चों ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और यहां क्वेश्चन मार्क है, तो आप दो चीज समझ लें, यहां आस्क्ड या इंक्वायर्ड होगा, और चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो जब भी रहेगा इफ या वेदर रहेगा, ठीक है ना, यानी क्या नहीं रहेगा, दैट नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा बच्चों, ये दैट नहीं रहेगा, ये यहां नहीं हो सकता, इफ या वेदर होगा और आस्क्ड या इंक्वायर्ड होगा, और अगर इंक्वायर्ड होगा तो यहां चूंकि ऑब्जेक्ट है तो इंक्वायर्ड के साथ हर हाल में क्या होगा, ऑफ होगा। अब क्लूज देखते हैं, ही आस्क्ड सही है, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट फिनिश, समय बचा ले बच्चों, फिनिश इनका काम खत्म। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल, मैंने कहा नहीं होगा, क्या होगा, इफ या वेदर होगा, मैटर फिनिश। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ, अब आगे बढ़ते हैं, सही ना, आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ, इफ ही कुड, तो पहली क्लास आपकी चूंकि पास्ट है, ये क्लास आपकी तो कैन भी क्या हो जाएगा आपका, पास्ट हो गया, कुड, इफ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम, सही है। अगला भी देख लेते हैं, ही इंक्वायर्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट, बढ़े ही ना बच्चों, अगर इंक्वायर्ड है और आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपको क्या लेना होगा यहां, ऑफ, तो ये भी गलत हो गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, सही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे तैयार कर लें आप। फिल इन द ब्लैंक है, हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज, यानी इस ग्लास टेबल को पकड़े विद केयर, सावधानी के साथ, क्योंकि यह है, कैसा है, क्या यह फ्रूगल है, फ्रूगल मीन्स किफायती या मितव्ययी, मतलब इकोनॉमिकल, क्या ये सेंस यहां पे है, नहीं, फिनिश। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स जो आसानी से टूट जाए, यानी जो आसानी से टूट जाए मीन्स क्या है, जो ब्रिटल हो, तो अगर वो ग्लास का टेबल है तो आसानी से ही टूटेगा ना, तो क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल यहां सही हो जाएगा। डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल मीन्स होता है नमनीय या विनम्र, क्या ये सेंस है यहां ग्लास टेबल के सेंस में, नहीं। वोलेटाइल क्या होता है, जो अस्थिर होता है, यानी जो चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है, भाप की तरह वाष्प बनकर के उड़ जाता है, वो वोलेटाइल होता है, मीन्स वोलेटाइल भी यहां पर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल, यानी चूंकि वो ग्लास टेबल फ्रेजाइल है इसलिए उसे सावधानी के साथ पकड़े। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेशेंट, क्वेशेंट कौन होता है बच्चों, क्वेशेंट एक व्यक्ति होता है जो, सॉरी यहां लिख दे रहा हूं मैं, निष्क्रिय होता है, यानी जो क्या होता है, इन एक्टिव होता है, वो क्वेशेंट होता है। हमको क्या चाहिए, इसका एंटोनिम, तो क्वेशेंट का एंटोनिम क्या होगा, निष्क्रिय का क्या होगा, सक्रिय, तो देखें पीसफुल, तो ये तो शांत है, नहीं होगा। डिजेक्टेड, ये तो क्या है, बिल्कुल निराश है, फ्रस्ट्रेटेड है, नहीं होगा। इंडिफरेंट, ये तो बेचारा क्या है, बिल्कुल उदासीन है, नहीं होगा। एक्टिव, ये कौन है, सक्रिय है, यही तो होगा ना, यानी क्वेसेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्टिव। वर्ड पावर अपनी अच्छी बनाए बच्चों, अगर आपको सफल होना है वर्ड पावर अच्छा लेकर चलना होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, सिनोनिम आपको ढूंढना है, सिंसिलेटिंग, सिंसिलेटिंग मींस क्या होता है, सिंसिलेटिंग मींस होता है कोई चीज जो ग्लिटरिंग हो, मींस क्या हो, चमकने वाला हो,
जो अपनी किरणें क्या कर रहा हो, फैला रहा हो, वो सेंसिलेटिंग होता है। बहुत बार आपके बहुत सारे निर्णय वगैरह भी, आपकी सफलता भी सेंसिलेटिंग होती है, ठीक है। तो सेंसिलेटिंग चमकने वाला, तो क्या फ्लैटरिंग होगा? नहीं, ये तो चापलूसी करने वाला है, प्रेजिंग है। बोरिंग होगा? नहीं, बोरिंग उबाऊ मतलब उबा देने वाला, नहीं, ये भी खत्म। ग्लिटरिंग है, बिल्कुल यही तो लिखा था मैंने ना, ग्लिटरिंग सेंसिलेटिंग। स्टिंगिंग है? नहीं, ये कौन है? चुभने वाला या डंक मारने वाला, ये कौन होता है? स्टिंग से बना, स्टिंग मीन्स होता है डंक मारना, चुभना। तो सेंसिलेटिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्लिटरिंग हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बच्चों रिवाइज कर लीजिएगा, ये मेरा छोटा सा एक प्रयास है आप बच्चों के लिए, क्योंकि आगे भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। मैं धीमे करके आपको शायद 10-12 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चंस भी अन्य टीचर्स की तरह कर सकता था बच्चों, खींच लेता और आप कम क्वेश्चंस करते और आपको अच्छा लगता, अरे सर ने बहुत आराम से पढ़ा। लेकिन आप ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपको एग्जाम्स में सफल होना है तो आपको अपनी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों लेकर के चलना होगा। यदि सफल होना है, अगर आप बहुत स्लो करते हैं तो भी आपकी दिक्कत है, और बहुत फास्ट करते हैं तो भी आपकी दिक्कत है। तो अगर आप एक घंटे के आसपास में 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री है, मीन्स कहेंगे संतोषजनक है, आप बेहतर लेके चल सकते हैं एग्जाम में। इसे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट के बल पर धीरे धीरे क्या करना होगा? फास्ट, क्योंकि वहां तो आपको समय भी क्या करना होगा? मैनेज करना होगा, ठीक है। ये सेशन कैसा रहा बच्चों? इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? कहां पे कमियां रहीं, कहां पे अच्छाइयां रहीं, जरूर अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा कि हाँ ये MB बुक से लिया गया 2019 का सेशन कैसा रहा, ठीक है। जरूर अपने सुझाव मुझको दीजिएगा ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। और कल मिलते हैं फिर 9 बजे आपसे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे या गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।